हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, इंडिया में रोड में सेफली ड्राइव करने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। और जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हो तो सबसे पहले बनता है लर्निंग लाइसेंस। और जो लर्निंग लाइसेंस बनाने का प्रोसीजर है उसमें एक चीज़ होता है रिटन टेस्ट, जहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है और आप लोगों को उसका जवाब क्या देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, आप रात में गाड़ी चला रहे हो और रोड पे अंधेरा है, आप देखते हो कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। आप चार ऑप्शन अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। चार ऑप्शन है कि आपको अपना हॉर्न तेज़ी से दबाना चाहिए, हेडलाइट को, जो आपका हेडलाइट है उसको ऑफ कर देना चाहिए, हेडलाइट को लो बीम पे ले आना चाहिए, हेडलाइट को हाई बीम पे ले जाना चाहिए। इसका सही जवाब फ्रेंड्स कि उस टाइम पे आपको अपने हेडलाइट को लो बीम पे ले जाना चाहिए। अगर जो सवाल है वो ये है कि आपका इंश्योरेंस एक्सपायर कर चुका है, अब आप लीगली कितने टाइम तक अपने गाड़ी को चला सकते हैं। चार ऑप्शन आप देख रहे हो अभी, 3 दिन तक, 1 महीने तक, 0 डेज तक या फिर 1 वीक तक। इसका सही जवाब है कि 0 डेज, आप 1 भी दिन नहीं चला सकते अगर आपका लीगली देखा जाए तो इंश्योरेंस आपका फेल हो गया है। ठीक है, अब अगला जो सवाल है वो ये है कि एक कॉशनरी जो ट्रैफिक साइन है वो किस शेप का होता है, यानी जो चेतावनी वाले ट्रैफिक साइन होते हैं वो किस शेप के होते हैं, स्क्वायर होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, सर्कुलर होते हैं या फिर ट्रायंगुलर होते हैं। इसका सही जवाब फ्रेंड्स कि जो कॉशनरी ट्रैफिक साइंस है वो ट्राइंगल के शेप के होते हैं। अगला जो सवाल है वो ये है कि आप गाड़ी चला रहे हो, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, जो आप गाड़ी चला रहे हो और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो आप 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। अब देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1 घंटा में 60 किलोमीटर यानी कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर। ठीक है, अब 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, अब उस आप 1000 मीटर को डिवाइड करोगे 60 सेकंड से तो आपका जो सही जवाब है यानी कि जो 16.6 मीटर वो आ जाएगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि इंडिया में जो प्राइवेट कार होते हैं और जो टू व्हीलर कार होते हैं, बाइक होते हैं, उसमें जो नंबर प्लेट है वो किस कलर के होने चाहिए। अब इसका सही जवाब है कि जो बैकग्राउंड है उसका वो वाइट होना चाहिए और जो नंबर होता है वो ब्लैक कलर में लिखा होना चाहिए। अगला जो सवाल है वो ये है कि जो मैंडेटरी ट्रैफिक साइंस होते हैं, वैसे साइंस जो आपको फॉलो करने ही है, वो किस शेप के होते हैं, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर। अब इसका सही जवाब है कि जो मैंडेटरी ट्रैफिक साइंस होते हैं वो सर्कुलर शेप के होते हैं। अगला जो सवाल है वो ये है कि आप गाड़ी चला रहे हो, आप रेलवे फाटक आ गया, ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग आ गया और वो जो रेलवे क्रॉसिंग है वो अनमैन्ड है यानी कि वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं है फाटक को खोलने और बंद करने के लिए, उस समय पे आपको क्या करना चाहिए। चार ऑप्शन आपके ऊपर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब इसका सही जवाब है कि उस समय आपको रुकना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि ट्रेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, देन जो अगला सवाल है वो ये है कि आप स्कूल के पास में ड्राइविंग कर रहे हो, उस समय पे आपको क्या करना चाहिए। चार ऑप्शन आपको दिया रहेगा तो आपको यहाँ पे जवाब देना है कि उस समय पे हम लोग को अपने स्पीड को रिड्यूस कर लेना है, कम कर लेना है। अगला जो सवाल है वो ये है कि आप 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो और सामने वाली गाड़ी और आपकी गाड़ी के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। चार ऑप्शन आपको दिया रहेगा। इसका सही जवाब है कि दोनों गाड़ी के बीच में, दो गाड़ी के बीच का जो लेंथ होता है उतना डिस्टेंस होना चाहिए ताकि आप बढ़िया तरीके से अपना, अगर कभी मौका आ जाए तो रोक सको अपने गाड़ी को। अगला जो सवाल है वो ये है कि आप वन वे स्ट्रीट में, ठीक है, वन वे स्ट्रीट में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको क्या नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू लॉ। ऑप्शन है पार्क नहीं कर सकते हो, हॉर्न नहीं बजा सकते हो, रिवर्स नहीं कर सकते हो या फिर राइट टर्न नहीं ले सकते हो, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। इसका सही जवाब है कि उस समय पर हम लोग रिवर्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब नेशनल हाईवे में ट्रक का मैक्सिमम स्पीड लिमिट कितना है, 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसका सही जवाब है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यह है मैक्सिमम स्पीड लिमिट ट्रक के लिए नेशनल हाईवे पे। ओके, देन जो अगला सवाल है वो ये है कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट हेवी व्हीकल्स का सिटी में, ठीक है, शहर में कितना है, यहाँ पे हेवी व्हीकल्स का बात हो रहा है, तो इसका सही जवाब है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, देन जो अगला सवाल है वो ये है कि नाइट में, रात के समय में मोटरसाइकिल का सिटी में मैक्सिमम स्पीड लिमिट कितना है, 3 ऑप्शन आप देख रहे हो। इसका सही जवाब है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला जो सवाल है वो ये है कि यू मस्ट ड्राइव ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, इन द सेंटर ऑफ द रोड या फिर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, कहाँ पे आपको ड्राइव करना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड हम लोगों को ड्राइव करना चाहिए। अगला जो सवाल है वो ये है कि यू कैन ओवरटेक अ व्हीकल इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, हम लोगों का सामने से गाड़ी जा रही है, हम लोगों को उसे ओवरटेक करना है, अब किस तरफ से करना है, लेफ्ट साइड से करना है,
अब ठीक है राइट साइड से करना है या ऑन दी लेफ्ट साइड इफ द रोड इज वाइड, ठीक है किस साइड से हम लोगों को ओवरटेक करना चाहिए, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। आप लोगों को जवाब देना है यहाँ पे कि हम लोगों को कभी भी ओवरटेक करना है तो हम लोगों को राइट साइड से ही ओवरटेक करना है। अगला जो सवाल है ये है कि जो साइन दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वन वे, स्पीड लिमिट एंड्स या नो एंट्री, क्या इंडिकेट करता है? तो ये जो साइन है वो इंडिकेट करता है वन वे। ओके अगला जो सवाल है वो ये है कि जो लर्नर लाइसेंस है वो वैलिड कहाँ पे होता है, थ्रू आउट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड या फिर ओनली इन द स्टेट ऑफ इशू। तो जो लर्निंग लाइसेंस है वो कहाँ पे वैलिड होता है, ये सवाल है। इसका सही जवाब है कि आपके पास अगर लर्निंग लाइसेंस है तो आप थ्रू आउट द इंडिया गाड़ी चला सकते हो। अगला सवाल है कि जब आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो आपके लिए सेफ स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। चार ऑप्शन आपके पास है, 42 मीटर, 52 मीटर, 32 मीटर और 62 मीटर। तो इसका सही जवाब है कि जब आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो 62 मीटर का जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो आपके लिए सेफ होगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि बिफोर रिवर्सिंग योर व्हीकल, अपने गाड़ी को रिवर्स करने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। चार ऑप्शन आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स का सही जवाब है कि उस समय पर आपको अपना जो ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ पर आप देख नहीं सकते हो गाड़ी के नीचे वगैरह कुछ है कि नहीं है वो ध्यान में रखना चाहिए। अगला जो सवाल है वो ये है कि मिनिमम एज कितना है इंडिया में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस फॉर पेड ड्राइविंग, यानी कि जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं या जो गुड्स कैरी करते हैं वो ड्राइविंग करने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए। इसका सही जवाब है 20 साल। ओके अगला जो सवाल है वो ये है कि एनी फोर व्हील्ड व्हीकल यू ड्राइव ऑन द रोड मस्ट हैव चार चीज, लॉकेबल ट्रंक, रियर सीट, रजिस्ट्रेशन प्लेट्स फ्रंट एंड रियर और फुल विंड स्क्रीन, क्या होना चाहिए फोर व्हीलर ड्राइवर व्हीकल के लिए। इसका सही जवाब है कि रजिस्टर्ड प्लेट्स फ्रंट एंड रियर में लगा हुआ होना चाहिए। अगला जो सवाल है वो ये है कि द फर्स्ट थिंग यू शुड डू बिफोर मेकिंग अ राइट टर्न इज वॉट, राइट टर्न लेने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। इसका सही जवाब है कि अपना जो मिरर है उसमें चेक कर लेना चाहिए कि पीछे आपके क्या है राइट टर्न लेने से पहले। अगला जो सवाल है ये है कि अच्छा सवाल है ये, ओके तो आपका जो टायर है उसका मिनिमम जो डेप्थ कितना होना चाहिए लीगली अकॉर्डिंग टू लॉ, 0.75 mm, 0.25 mm, 1 mm या फिर 0.5 mm। तो जो लीगली होना चाहिए वो होना चाहिए 1 mm का डेप्थ तो होना ही चाहिए, ट्रेड जो होता है टायर में जो ट्रेड होता है उसका डेप्थ 1 mm होना चाहिए। अगला जो सवाल है वो ये है कि द मिनिमम फाइन अगर आप ओवरलोडिंग कर रहे हैं गुड्स कैरेज का ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो मिनिमम फाइन कितना होगा, 3,000, 1,000 या फिर 2,000 रुपये। इसका सही जवाब है कि आपको 2,000 रुपये का फाइन लगाया जा सकता है। अगला जो सवाल है वो ये है कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट टू व्हीलर नियर स्कूल जोन, स्कूल के आसपास जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट टू व्हीलर का कितना है टू व्हीलर का। इसका सही जवाब है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके अगला जो सवाल ये है कि आपने अपना घर चेंज कर लिया है, ओके अब आप लोग आपके पास कितना टाइम है आरटीओ को अपना नया एड्रेस बताने के लिए, 1 वीक, 6 महीना, 30 डेज या फिर 1 साल। इसका सही जवाब है कि आपको 30 डेज के अंदर ही आरटीओ को अपना नया एड्रेस बताना चाहिए। अगला सवाल है कि जब आप अपने गाड़ी से किसी दूसरी गाड़ी को टो कर रहे हो, ठीक है उसे टो कर रहे हो तो दोनों गाड़ी के बीच में अपने रस्सी का इस्तेमाल किया तो उस रस्सी का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 5 मीटर से ज़्यादा रस्सी का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगला जो सवाल है ये है कि चार जगह है, फैक्ट्री, पुलिस स्टेशन, स्कूल और कोर्ट ऑफ लॉ, तो कहाँ पे आपको बिल्कुल भी हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करना है। सही जवाब है कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है अब अगला जो सवाल है वो ये है कि इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल कार ड्राइवर्स टू कैरी व्हाट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है सभी कार ड्राइवर्स के लिए कौन सा टाइप का इंश्योरेंस रखना कंपल्सरी है। इसका सही जवाब है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। अगला जो सवाल ये है कि अगर जब आपने एक नया कार खरीदा है और आपने टैक्स पे किया है तो वो टैक्स कितने समय के लिए वैलिड होता है। इसका सही जवाब है 15 साल तक वो टैक्स वैलिड रहता है। अगला जो सवाल है वो ये है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो किस कंडीशन में आपका गाड़ी को सीज कर सकता है। पहला है कि आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन नहीं है, दूसरा है कि आपने जो स्पीड लिमिट क्रॉस कर दिया, तीसरा है आपने रेड लाइट को इग्नोर कर दिया, चौथा है कि आपने इमिशन टेस्ट फेल कर दिया है। इसका सही जवाब है कि जब आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उस समय पर पुलिस ऑफिसर आपका गाड़ी को सीज कर सकता है। अगला जो सवाल है वो ये है कि जब आप पेट्रोल पंप में अपने गाड़ी में पेट्रोल या फिर डीजल भरा रहे हो उस समय पर आपको क्या नहीं करना चाहिए। चार ऑप्शन आप देख रहे हो, इसका सही जवाब है कि उस समय पर आपको स्मोक नहीं करना चाहिए। ओके देन जो अगला सवाल है वो ये है कि वंस यू हैव ऑब्टेन योर लर्नर्स लाइसेंस, आपको आपका लर्निंग लाइसेंस मिल गया तो ये जो कितने टाइम के लिए वैलिड होता है, 4 महीने, 8 महीने, 1 साल या फिर 6 महीने के लिए। इसका सही जवाब है कि वो 6 महीने तक वैलिड रहता है। अगला जो सवाल है वो ये है
कि स्टेट ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, आपको एक स्टेट ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है। अब उसके हेल्प से आप कहाँ कहाँ गाड़ी चला सकते हो, चार ऑप्शन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। तो इसका सही जवाब है कि अगर आपके पास स्टेट ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके हेल्प से आप ऑल ओवर द इंडिया गाड़ी चला सकते हो। अगला जो सवाल है वो ये है कि आप देख रहे हो कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है या फिर फायर जो अग्निशामक का जो गाड़ी होता है वो आ रहा है, उस समय पे आपको क्या करना चाहिए। इसका सही जवाब है कि उस समय पे आपको अपने गाड़ी को लेफ्ट साइड में लेके अगर पॉसिबल है तो रोक दे और उसे क्रॉस होने दे। अगला क्वेश्चन है PUCC पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये अपने डेट ऑफ इश्यू से कितने टाइम तक वैलिड होता है, 4 महीने, 3 महीने, 8 महीने या फिर 12 महीने तक। सही जवाब है कि 12 महीने तक PUCC सर्टिफिकेट वैलिड होता है। अगला जो सवाल है कि अगर आप ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हो या पकड़े जाते हो तो आपको कितने साल का सज़ा हो सकता है या कितने महीने का सज़ा हो सकता है, 3 महीने, 1 महीने, 4 महीने या फिर 6 महीने। इसका सही जवाब है कि आपको 6 महीने तक का सज़ा हो सकता है, तो नहीं चलाएं गाड़ी ड्रिंक करके। अगला जो सवाल है वो ये है कि वैसे व्हीकल्स यानी कि वैसे टूलर जिसमें गियर नहीं होती, इसको हम लोग स्कूटी कहते हैं, तो एक पर्सन को कितने साल का मिनिमम होना चाहिए वैसे मोटरसाइकिल को चलाने के लिए जिसमें गियर्स नहीं होते, 15, 17, 16 या फिर 14 साल का। इसका सही जवाब है कि अगर आप 16 साल के हैं तो आप चला सकते हो वैसे मोटरसाइकिल जिसमें गियर्स नहीं होते हैं। अगला जो सवाल है वो ये है कि जब आप किसी व्हीकल के सामने चल रहे व्हीकल को ओवरटेक करना चाहो तो उस समय आपको किस चीज़ का वेट करना चाहिए, चार ऑप्शन आप देख रहे हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सामने वाला ड्राइवर जब आपको सिग्नल कर दे कि आप ओवरटेक कर सकते हो तब तक का वेट करना चाहिए। अगला जो सवाल है वो ये है कि जब आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि कॉलेज, स्कूल, इससे पास कर रहे हो, उस समय पे आपका मैक्सिमम स्पीड अकॉर्डिंग टू लॉ कितना है, वो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल है कि जब आप एक लर्निंग लाइसेंस पर ड्राइव कर रहे हो तो उस समय पर आपके साथ क्या होना चाहिए, चार ऑप्शन आपके पास है। तो फ्रेंड, जब आप लर्निंग लाइसेंस पर ड्राइविंग कर रहे हो उस समय पे आपके साथ एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके पास फुल लाइसेंस हो, फुल ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में आपसे क्या क्या इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो बताया। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। ये इसका पहला पार्ट था इस टॉपिक का, मैं कोशिश करूंगा कि इसका सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड करूं। आपको ये पार्ट कैसा लगा ये मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं, और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था ड्यूरिंग योर लर्निंग लाइसेंस टेस्ट वो भी आप जरूर शेयर करें ताकि मैं उसको भी कवर कर सकूं और आगे के जो वीडियोस हैं, आगे के जो व्यूअर्स हैं, उसको फायदा हो जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।